এটা বল এসে প্রোডাক্ট কেমন পি পি এসে প্রোডাক্ট কেমন পি পি टाइम क्या है जीरो है तो ए मोल है ए कै मोल है ए मोल अब उस समय प्रोडक्ट नहीं बनाई जीरो है प्रोडक्ट क्या है जीरो है जब टाइम टी वन हो गया तो देखा गया तो एक्स बन चुका था तो कितना बचा होगा ए माइनस एक्स बचा होगा ए नहीं बचा होगा यदि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए का पावर फर्स्ट या रेट बराबर के इन टू ए का पावर फर्स्ट तब ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा और रेट का क्या डिग्री होता है चेंज इन कंसंट्रेशन बटा चेंज इन टाइम और बराबर के इन टू ए का कंसंट्रेशन क्लियर। अब देखिए चूंकि रिएक्टेंट है ये क्या है रिएक्टेंट है समय के साथ घटता है इसका रेट नेगेटिव लिखते हैं इसका रेट क्या लिखते हैं नेगेटिव लिखते हैं। अब आगे बढ़ेंगे इसको लिख सकते हैं डी एक एक का जो कंसंट्रेशन हुआ रेस्ट कंसंट्रेशन होता है ए माइनस एक्स एक जगह पर रखते हैं ए माइनस एक्स बटा डी टी फर्स्ट वन बराबर के इन टू ए माइनस एक्स क्लियर। अब देखिए इसको तोड़ते हैं दो भाग में माइनस रहने दीजिए आर डी ए बटा डी टी आ माइनस डी एक्स बटा डी टी फर्स्ट वन बराबर के आई ए माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब माइनस से गुणा करते हैं कोष हटा तो माइनस डी ए बटा डी टी अब प्लस डी एक्स बटा डी टी बराबर के आई ए माइनस एक्स। अब मैथ में एक फॉर्मूला है डी ए बटा डी टी का मान जीरो होता है डी ए बटा डी टी का मान क्या होता है यहाँ पर तो जीरो हो जाएगा ये हो जाएगा जीरो प्लस डी एक्स बटा डी टी बराबर के इन टू ए माइनस एक्स यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें यहाँ लिखते हैं डी एक्स बटा डी टी बराबर के इन टू ए माइनस एक्स ठीक है। तो अब देखिए यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स तो एक्स और एक्स वाला को एक साइड कर तो यह इधर आएगा तो बट्टा में आ जाएगा और यह इधर जाएगा तो गुना को चला जाएगा अगला स्टेप हो जाएगा डी एक्स बट्टा ए माइनस एक्स बराबर के इन टू क्लियर। तो यह इसका पार्ट वन हुआ ठीक है। अब यहाँ तक हम लोग डिफरेंशिएशन किए अब पार्ट टू इसका आएगा इंटीग्रेशन। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन से तो लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड दोनों साइड इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन करते हैं डी एक्स बट्टा ए माइनस एक्स बराबर के इन टू डी टी के इन टू डी टी। अब इतना का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको हम लिख देते हैं साइड में इधर लिख देते हैं आपको मैथ का फॉर्मूला है चूंकि डी एक्स बट्टा ए माइनस एक्स होता है माइनस एल एन ए माइनस एक्स इतना का वैल्यू होता है तो और डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है टी होता है इसका जगह पर हम लोग लिख सकते हैं माइनस एल एन ए माइनस एक्स तो माइनस एल एन ए माइनस एक्स लिख दिए। और यहाँ पर अब देखिए आप जो पढ़ता शांत से सुनिए जो पढ़ता लिखता नहीं है उसको क्लास से हम लोग बाहर कर देते हैं उसे क्लास के क्या कहते हैं यहाँ पर के एक कॉन्स्टेंट है यह बढ़ता घटता नहीं है इसको भी इंटीग्रेशन से बाहर कर क्लियर। तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं क्योंकि ना तो यह बढ़ता है ना ही घटता है कॉन्स्टेंट राशि कॉन्स्टेंट राशि का इंटीग्रेशन कभी भी नहीं होता इसको बाहर कर दिए बच गया डी और डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है डी टी होता है तो लिखेंगे माइनस एल एन ए माइनस एक्स आप बराबर के इंटू
डीटी का टी। देखिए जब पिक्चर खत्म होता है, फिल्म खत्म होता है, तो नीचे लिखता है द एंड, तब उन लोग को पता चलता है कि फिल्म क्या हो गया, खत्म हो गया। तो उसी तरह इंटीग्रेशन जब खत्म होता है तो यहाँ पर प्लस दे के सी लिख दिया, इसका मतलब इंटीग्रेशन समाप्त। तो दो भाग में बांट दिए, एक यहाँ से यहाँ तक डिफ्रेंशिएशन किए, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, क्या मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें आप देखेंगे वेन टी बराबर जीरो, जब टाइम जीरो था तब प्रोडक्ट क्या था, जीरो था। देन एक्स बराबर जीरो, इन दोनों का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो सी का मान निकलेगा। और सी का मान जब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो फुल लाइफ और रेट कॉन्स्टेंट दोनों आ जाएगा। तो चलिए इसका वैल्यू पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ टी एंड एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पुट करते हैं तो माइनस एल एन ए आर एक्स की जगह पर जीरो, आ के टी की जगह पर जीरो प्लस सी, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एल एन ए बराबर सी, तो जीरो आ जाएगा, यही ना आएगा। तो सी का वैल्यू निकल गया माइनस एल एन ए। अब सी का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो रेट कॉन्स्टेंट आप फुल लाइफ दोनों निकल जाएगा। तो आइए अब इसको यहाँ लिखो, इसको यह एक आपको फॉर्मूला है, मैथ का फॉर्मूला है जो साइड में लिखते हैं, यहाँ पर लिखिए। इसमें आपको लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फर्स्ट, तो सी का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। तो लिख देखिए इधर माइनस एल एन ए माइनस एक्स, क्लियर, आप बराबर आपको क्या ना है के टी, और सी के जगह पर क्या लिख दे माइनस एल एन ए। अब एल एन और एल एन को एक साथ करेंगे क्योंकि आपको सेम राशि को घटाया जोड़ा जाता है, आम में से आम घटा सकते हैं, आम में आम जोड़ सकते हैं, आम में अमरूद नहीं जोड़ सकते, इसीलिए एल एन और एल एन को एक साथ लाता है। तो एल एन माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो एल एन ए माइनस एल एन ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स लिख दिए आ बराबर के टी। तो लॉग ए माइनस लॉग बी बराबर हम लोग पढ़े थे लॉग ए बट्टा बी, ये हो जाएगा एल एन ए बट्टा ए माइनस एक्स, लिख सकते हैं बराबर के टी लिख सकते हैं। अब जो नहीं जानते वो देख लीजिए, एल एन बराबर होता है 2.303 लॉग होता है, एल एन बराबर क्या होता है 2.303 लॉग, यहाँ पर लिख तो रख देते हैं। तो 2.303 लॉग ए बट्टा ए माइनस एक्स बराबर के टी, यहाँ से टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर लिख सकते हैं 2.303 लॉग ए बट्टा ए माइनस एक्स बराबर बट्टा में यहाँ पर के लिख सकते हैं। यही है फुल लाइफ, फर्स्ट ऑर्डर का फुल लाइफ यही है जो आपके डिफिनेशन में लिख पाए थे, जा करके देखिए, क्लियर। और रेट कॉन्स्टेंट पूछेगा यहाँ से के किधर भेजे टी को नीचे, तो के बराबर 2.303 बट्टा टी लॉग ए बट्टा ए माइनस एक्स, यह आपको हो गया आपको रेट कॉन्स्टेंट करना। तो दोनों डेराइव कर दिए, फुल लाइफ भी और रेट कॉन्स्टेंट, एक के से दोनों डेराइव हो सकते हैं, ये हमेशा एग्जाम में पूछता है। जहाँ ए क्या है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ए माइनस एक्स क्या है रेस्ट कॉन्सेंट्रेशन बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन, टी क्या है टाइम है, के क्या है रेट कॉन्स्टेंट है, यानी दर, क्लियर। तो जल्दी से इसको लिखिए और